अगर आप चाट और गोलगप्पे के शौकीन हैं और आपको भी बाहर का खाना बहुत पसंद है, तो हम आपको बाहर के खाने से जुड़ी एक ज़रूरी बात बताने वाले हैं। जब आप बाहर टिक्की, गोलगप्पे या चाट पकौड़ी, दही बल्ले खाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ठेले वाले फूड आइटम्स को कवर करने के लिए लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इसके पीछे की ज़रूरी वजह जानते हैं? आज हम आपको इस वीडियो में इसके पीछे का कारण बताएंगे। कई लोग फास्ट फूड या बाहर की चाट पकौड़ी के खाने के बहुत शौकीन होते हैं। आपने भी कभी ना कभी ये सब चीज़ें ज़रूर चखी होंगी। आमतौर पर ये फूड आइटम्स रेडी या छोटे रेस्टोरेंट पर मिलते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन सभी फूड आइटम्स में एक बात कॉमन होती है, वो है कि लाल रंग का कपड़ा। चाट शिकंजी वाले ठेले पर लाल रंग का कपड़ा ज़रूर होता है, जिससे फूड आइटम्स को ढका जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर सब ठेले वाले फूड आइटम्स को लाल रंग के कपड़े से ही क्यों ढकते हैं? काले या पीले रंग के कपड़े से क्यों नहीं बांधते? आपको जानकर हैरानी होगी कि ठेले पर लाल रंग का इस्तेमाल करने के पीछे की वजह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। दरअसल लाल रंग काफ़ी दूर से नज़र आता है। इसके अलावा ये रंग काफ़ी चटकीला होता है, जिस पर लोगों का ध्यान आसानी से चला जाता है। यही वजह है कि फूड आइटम्स के ठेले पर लाल रंग का कपड़ा बांधा जाता है। ये तो हो गई वैज्ञानिक बात, लेकिन लाल रंग के कपड़े बांधने के पीछे एक और प्रथा प्रचलित है। ऐसा बताया जाता है कि मुगल काल में हुमायूं के शासन में रसोई में दरबारी रिवाज होता था। इसी रिवाज के तहत खाना रखने वाले बर्तनों को लाल रंग के कपड़े से ढका जाता था। हुमायूं के शासन से शुरू हुआ यह रिवाज आगे बढ़ता गया, इसलिए आज भी लोग खाने के बर्तनों को लाल रंग के कपड़े से कवर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़, 24x7।